वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज़। 21 अक्टूबर को PMLN अपना एक शो करने जा रही है लाहौर में। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा एलेबरेट ट्रैफिक प्लान डिवाइज़ किया है। इस प्लान के सिलसिले में जो लाहौर से आने वाली 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनसे आने वाली रैलीज जो हैं वो हमारे कचहरी चौक, दाता दरबार से होते हुए मीनार पाकिस्तान के सामने अपने पार्टिसिपेंट्स को ड्रॉप करेंगी और उसके बाद बंद रोड पर जाके ये गाड़ियाँ पार्क होंगी। जो शाहदरा वाली सामने रोड है वो भी ओपन होगी और वहाँ पे पार्किंग इंशाल्लाह ताला हम यूज़ उसको पार्किंग के लिए करेंगे। जो दीगर अजा से आने वाली ट्रैफिक है उसमें जो सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम से आने वाली ट्रैफिक है वो कालाशाह काकू से ईस्टर्न बाईपास और रिंग रोड इस्तेमाल करेगी। नियाजी शहीद इंटरचेंज से मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे और पार्टिसिपेंट्स को ड्रॉप करने के बाद इनकी पार्किंग का अरेंजमेंट जो है वो रिंग रोड के ऊपर किया गया है। जो हमारे शेखुपुरा, सरगोधा, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन अजला हैं जो मोटरवे इस्तेमाल करेंगे वो बाबू साबू से बंद रोड पे आएंगे, नियाजी शहीद इंटरचेंज इस्तेमाल करेंगे और मीनार पाकिस्तान पे पार्टिसिपेंट्स को ड्रॉप करने के बाद रिंग रोड पे इनकी पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया। जो हमारे अजला हैं साउथ की तरफ, जिसमें हमारे कसूर है, पाक पतन से आने वाले लोग हैं, व्याड़ी से आने वाले लोग हैं जो GT रोड इस्तेमाल करेंगे वो केनाल रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, माल रोड के जरिए, कचहरी रोड के जरिए आके मीनार पाकिस्तान तक पहुँच सकते हैं। हमने ये तय किया है कि इस रैलीज को स्मूथ रखने के लिए इनकी टाइमिंग को स्टैगर करेंगे। 1600 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा तकरीबन 1300 से ज़्यादा ऑपरेशन पुलिस के अहलकार जो हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस की इमदाद के लिए हमें मुहैया किए गए हैं। तो ये मजमूई तौर पर तकरीबन 3000 लोग होंगे जो ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन रखेंगे और हमें इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारी PMLN के तमाम लीडर से हो चुकी हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो शहर के लोग हैं उनको भी किसी किस्म की तंगी ना हो, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जलसे में आने वाले उनको भी किसी किस्म की तंगी ना हो और ये सारे इवेंट जो है ये इंतहाई स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे आम दिनों में मेरे ख्याल से कोई 26 लाख के लगभग गाड़ियाँ शायद लाहौर में एंटर होती हैं, तो 21 अक्टूबर को आप समझते हैं कि ये बर्डन ज़्यादा होगा या आम जो लोग हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनकी पेनिट्रेशन शहर में कम होगी? दूसरा ये बताइएगा कि जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड है उसके सराउंडिंग में छोटी गाड़ियों के लिए जो पार्किंग बनाई गई हैं उसका क्या अरेंजमेंट है? देखें, जो स्पेसिफिक पार्किंग अरेंजमेंट है वो तो ये दो रोड हैं, बंद रोड है और रिंग रोड है जिस पे पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया। इसके अलावा लारी अड्डे के अंदर तकरीबन 500 बड़ी गाड़ियों की गुंजाइश है और लारी अड्डे के दो लिंक रोड हैं जहाँ पे हमने पार्किंग का अरेंजमेंट किया है। इसके अलावा ये जो मेन रोड हैं हमारी, ये 3 लेन रोड हैं, कुछ जगह पर ये 4 और 5 लेन भी हैं। यहाँ पर सिंगल लेन में पार्किंग हम अलाउ करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए लेडी विलिंगटन से टुवर्ड्स दाता दरबार मेन रोड के ऊपर पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके लिए जो वो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने खुद अपने अरेंजमेंट्स किए हैं। पार्किंग स्टैंड बनाए जाएंगे ताकि मोटरसाइकिल गुम ना हो, चोरी ना हो, लोगों को बाकायदा उसके लिए स्लिप्स इशू की जाएंगी। और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि जो ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो है शहर में वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी किसी किस्म की तंगी ना हो। लास्ट ये फरमा दीजिएगा कि जो मियां नवाज शरीफ की आमद है उसके हवाले से क्या वो रूट जो है उस पर फोकस किया गया है या कुछ और उनके अरेंजमेंट्स आने के, वो शहर से बाहर से आएंगे तो क्या रूट का क्या अरेंजमेंट? देखिए, जो रूट्स हैं वो तो एक हमने अपनी SOP के तहत डेफिनेटली लगाए हैं क्योंकि उनकी एयरपोर्ट पे लैंडिंग होगी। एयरपोर्ट से जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने हेली से ट्रेवल करना है, लेकिन फिर भी कॉन्टिजेंसी के लिए जो रूट है ग्राउंड पे वो इंशाल्लाह ताला डिप्लाई होगा। उसमें ऑपरेशन पुलिस की स्ट्रेंथ भी होगी, ट्रैफिक पुलिस भी होगी। इसके अलावा उनकी जो मीनार पाकिस्तान से जाती उमरा जाना है वो भी बाय हेली भी हो सकता है अगर वो ड्यूरिंग डे फ्री हो जाते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो बाय रूट भी इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का डिप्लाई होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।